हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। अभी अभी कन्नू सो के उठ गया है, उठ करके यहाँ पे अपनी माँ के पास बैठ गया है ये। और मम्मी ने सब्जी काट दिया, मैंने आटा बना दिया है और नहा धो के आ गई हूँ, झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया सारे जगह, और बस कन्नू का कपड़ा रह गया, उठाए भी ना। और कन्नू के पापा तो चले गए हैं उठ करके, और पीछे रखा है टमाटर। ये सारी सब्जियाँ हम शिमला मिर्च में डालते हैं खाने के लिए। तो चलिए अब देख लीजिए आप भी किस तरीके से बनाती हूँ मैं शिमला मिर्च की सब्जी। और यहाँ भी कन्नू के पापा भी घूम करके आ गया है कन्नू को नहलाने के लिए, और कह रहे हैं कि आपको नहाना है कन्नू। तो कन्नू कहने लगा हाँ मुझे नहाना है, और आज मैंने लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं लगाई है। फिर तो बार बार कमेंट आते हैं कि प्रेगनेंसी में लिपस्टिक लगानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और कपड़े धो दिए थे मैंने रात ही सारे के सारे, कमर में बहुत तेज़ दर्द हो गया था, सारे पर्दे बैठक के इधर के, और जो पहनने के कपड़े हैं सारे के सारे, बहुत सारे कपड़े थे। इनमें सूख भी गए हैं, अभी धूप बहुत तेज है, तो इसीलिए अब इनको उतारूंगी कपड़ों को। हेलो जी, देखिए जी, मैं करने लगी हूँ अपनी सब्जी की तैयारी। और सब्जी में बनानी है मुझे आज शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हम कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने तेल डाला, तेल के बाद जीरा जो था उसमें हो गया था, और जीरे के बाद में मैंने प्याज डाल दिया। प्याज मैं हल्की सी फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, गोल्डन कलर की बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और ये गोल्डन कलर की जब तक हो जाएगी, तो हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, तो उसके बाद मुझे डालनी है इसमें टमाटर डालने हैं, शिमला मिर्च डालने हैं, फिर उसके बाद आलू डालने हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें एक जगह डाल दूंगी मैं, और टमाटर इस तरह नहीं भूनूंगी जिस तरह मैं राजमे में भूनती हूँ। ये देखिए अभी मैंने डाल दिया, फिर नमक मिर्च डाल के इसमें है ना वो डालना है गरम मसाला, और गरम मसाले डालने के बाद में बस इसको ढक्कन बंद कर देना है और सब्जी हो जाएगी। मैं काफी दिनों बाद रेडी हो गई, अपने ऑफिस जा रहा था और मुझे कंदू ने बताया यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मुझे कंदू ने बताया यहाँ कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ दिखाने आया है। तो पन्नू बताओ क्या गड़बड़ है यहाँ पे। इधर को देखो, ये सारा सामान ना मेरे कंप्यूटर के पास में इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, ये सब सिंगवाने के लिए रखा था भूमि ने, और ये यहीं पे रह गया, अभी कहीं पे रखा नहीं गया। तो ये पन्नू को गड़बड़ लगी है, क्योंकि पापा को, पन्नू को पता है कि पापा कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं और पापा तो कंप्यूटर चला ही नहीं सकते, यहाँ पे इतना सामान रखा हुआ है। तो कन्नू की गड़बड़ मुझे पता नहीं लगा कि क्या गड़बड़ हो गई है, पर इसने बताया कि ये वाली गड़बड़ है यहाँ पे, तो यही गड़बड़ सही कर दो ये है। और कन्नू को इस गड़बड़ के चक्कर में अपनी रेजर मिल गई, दिखाओ रेजर, ये जो फूल रही थी रेजर फूल रही थी कन्नू की, और ये भी मिल गई है कन्नू को गड़बड़ के चक्कर में। यहाँ पर मम्मी का टाइम नहीं लगा, तो कन्नू ही आज मम्मी की हेल्प कर रहा है, और जो घर का काम है वो किए जा रहा है, दवाइयाँ वगैरह सब रख रहा है बंद कर करके, जो चीज़ जहाँ रखनी है वो वहीं पे लगा रहा है। ये दवाइयाँ रह गई थी ये वाली, इसको भी कहाँ लगाएगा कन्नू, इसका ऊपर हाथ नहीं आता, नीचे से खोल देता है, ये दवाई इसमें रख दी इसमें, ये ठीक है। और ये फ्लावर पॉट जो रखे हैं ये कहाँ रखे जाएंगे, एक फ्लावर पॉट वहाँ रखा कन्नू ने और एक फ्लावर पॉट यहाँ पे रखा, ठीक है जी। और बाकी ये जो तो दवाई का डब्बा रखा हुआ है ये कहाँ रखा जाएगा भाई, और बहुत सारा सामान रखा भी तो यहाँ पे, ये यहाँ रख दिया जाएगा, ठीक है। और ये सब ऊपर रखने का सामान है, पर इसको ऊपर तो हाथ नहीं जाएगा, बेचारा यहीं पे लगा देगा, और ये मेरे कंप्यूटर चलाने की व्यवस्था कर देगा। ये बुक है, और जी मैंने बाद में इसको देखा, ये काम करते हुए इसकी वीडियो देखी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतना सारा काम फैला दिया, और मेरे बच्चे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, सारी बुक्स एक जगह लगा दी है। ये मेरी बुक्स है जो मैं अपने घर से लेकर के आई हूँ, और ये कन्नू की बुक्स है, इसमें फोन भी है और दवाइयाँ भी है और बीपी की चेक करने की मशीन भी है, सारे का सारा काम हो गया। चलो ये भी रह गई, जो चुन्नी भी रह गई है मम्मी की, और ये भी रह गई, इनको कहाँ रखेगा इनको, बस और कुछ काम रह गया क्या। ये भी रह गए पर्दे, ये कहाँ लगाएगा, गिर जाएगा वहां से, तो रहने दो रहने दो, वहां पे हाथ नहीं जा रहा। बस
चलो तो काम संगवा जाकर भाई मम्मी का स्कूल में ना जा करिए मम्मी का काम यही करवा जा करिए बस स्कूल में चल जाकर मम्मी आपको कर लग काम काम से को बता दे दूध चाय और कन्नू के लिए रोटी तैयार हो गई है और कन्नू पापा के लिए भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई है सब चीजें और सब्जी देखिए जी ऐसी कर रही है क्या खा रहा वहां से आज करवा रहा हूँ पापा मेरे पापा तो लगता है ये भी तो पापा जी वो सब क्यों मुझे बढ़िया ना होता ये बढ़िया लग रहा है ना क्यों नहीं ये तो काला काला हुआ है मुझे ना एक बार ऐसे ला के देती हूँ जो जो नमन के जैसा ही हो चल नमन के जैसा ला दे भाई जी कैसा लगा सब कुछ साफ सुथरा हो गया है यानी कि अब मेरा काम तो रहा नहीं अब तो मैं जाऊं मुझे साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ऊपर छत छत तो मैंने कल ही साफ की थी बेटा ठीक है इसके ऊपर तो मेरा भी हाथ नहीं जाता है कोई बात नहीं मैं ये दोबारा से साफ सफाई कर देती हूँ ठीक है इसके ऊपर की है ना ये देखिए जी कन्नू को उसकी पुरानी मच्छरदानी मिल गई है और ये जब छोटा था जब लेकर के आए थे इसके पापा इसके लिए अभी तो आएगा भी नहीं इसमें तो ये कह रहा है कि वानिका के काम आ जाएगी मम्मी ये मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा वानिका के काम आ जाएगी और एक दो बार लेटा है इसमें फिर हम बड़ी मच्छरदानी लगानी शुरू कर दी थी हमने और जी देखिए आज मैंने इस कमरे में भी साफ सफाई कर दी है और ये है ना ये वाली बेडशीट डाली है ये वाले कवर डाले हैं तकियों में और यहाँ पे टेडी बियर रख दिया बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा है कमरा और जल्दी हमारे घरों का भी रिनोवेशन होगा क्योंकि है ना सारे के सारे टूटने लगे हैं अब और ये कन्नू अपनी बुआ जी से बातें कर रहा है और बता रहा है पापा तो ड्यूटी जा रहे हैं और मैंने सारे पर्दे यहाँ पे निकाल दिए कुछ और ये देखिए यहाँ पे कुछ पर्दे तो पाइप पहले साफ करने पड़ेंगे फिर पर्दे लगाने पड़ेंगे सबसे पहले मैंने आज ड्रेसिंग टेबल की साफ सफाई कर दी है आपको दिखा देते हैं ये देखिए सारा सामान लगा दिया है इसमें इस तरीके से एक भी सामान एक्स्ट्रा नहीं छोड़ रहा है बिल्कुल भी और इसमें दवाइयाँ लगा दी है कन्नू की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो है ये सारी कन्नू की दवाइयाँ हैं और ये आप सभी को हाय बोलेगा अभी हंस रहा है और वो भी उस केस से बस अभी मैंने ये अलमारी भी लगा दी है और यहाँ से एक्स्ट्रा जो सामान था रखा था वो भी निकाल दिया है तो थोड़े से कपड़े प्रेस भी करने हैं इसलिए प्रेस निकाल के पहले ही रख दिया है जब लाइट आएगी जब चला दूँगी इन्वर्टर से अभी तो लाइट ऐसे ही जल रही है तभी गेट बंद कर देते हैं पर्दे वर्दे लगाते हैं सारी जगह चलिए जी अभी मैंने बरामदा भी अच्छी तरीके से साफ कर दिया है मतलब पूरी छत के जाले जो है साफ कर दिए हैं और पर्दा लगाने की बारी है सारे कमरों के पर्दे भी लगाने हैं और सारे बरामदे के पर्दे लगाने हैं तो काफ़ी टाइम लग जाना है और इसी तरीके से मैंने है ना बैठक के जो है पर्दे वे भी धो रखे हैं तो वे भी डालने के लिए जाना है क्योंकि वे उल्टे करके डाल रखे हैं अभी और गर्मी तो बेहिसाब हो रही है चक्कर से भी अनेक हो रहा है बार बार थक जाती हूँ और बैठ जाती हूँ आराम करने लगती हूँ और फिर काम करने लग जाती हूँ इसी तरीके से सारा काम निमट ही जाएगा और कल तो हमारे यहाँ पे गेस्ट आएंगे तो उनके साथ भी लगना है कल का सारा दिन तो उनके साथ में ही बिजी रहेगा तो जी ये काम मेरा हो गया है इसी तरीके से मम्मी के कमरे के बरामदे के सारी जगह के पर्दे मैंने लगा दिए हैं और अब आ गई है डिब्बों की बारी डिब्बे भी मुझे साफ करने हैं इसी तरीके से और सबसे पहले मैं लगा रही हूँ सर्फ का जो मतलब पन्नी से साफ कर रही हूँ फिर इनको ब्रश लगाऊंगी एक बार ये फिनाइल इनका जो फूल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिब्बे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि है ना यहाँ पे आटा रखा हुआ है ना तो आटा छानती हूँ जैसे भी थोड़ी सी भी धूल इसमें भी चली जाती है और बार बार अंदर कमरे से मुझसे बिल्कुल भी नहीं लाए जाते तो मम्मी कहने लग रही है कि आज तो इनको अंदर ही शिफ्ट कर दो और वहाँ से लेकर के आना एक एक डब्बा जो भी जिसकी भी ज़रूरत होगी कभी कभी दाल बनती है कभी कभी कुछ बनता है तो जब भी लेकर के आने और चीनी और चाय की पत्ती का डिब्बा अपनी इस जो हमारी खिड़की है ना उसमें रख लो
तो काम बहुत सारा है और समय बहुत कम है, क्योंकि दोपहर तो मुझे इसी काम में हो गई थी, 2:30 बज गए थे और मुझे लग रहा है सारा दिन आज काम काम में ही लग जाएगा ऐसे ही, तो थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिलेगा आज बिल्कुल भी, और काम तो करना ही है भाई। और आज मैंने इस कमरे में भी साफ सफाई की है, और साफ सफाई करने के बाद में इतना टाइम ऐसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता कि क्या टाइम हुआ क्या नहीं हुआ है। तो अभी 5:15 बज गए हैं काम करते करते, और ये देखिए सब पूरे कमरे में साफ सफाई, छत में भी झाड़ू लगाई है, आज सेब का कवर उतार दिया है क्योंकि है ना वो ज्यादा गंदा हो गया था तो धोना है, अभी धो करके नहीं डालेंगे। फ्रिज भी साफ कर दिया है बिल्कुल, इसके ऊपर भी कुछ सामान नहीं रखा है क्योंकि बार बार कन्नू का सामान जो भी मिलता है मम्मी उठा करके फ्रिज पे रख देती है। और ये देखिए जी किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, यहाँ से सारे डिब्बे मैंने उठा दिए हैं और बस अभी नीचे पोछा नहीं लगाया है, और ऊपर से भी सारे के सारे सामान निकाल दिया है, और ये टोकरा जो है बिल्कुल क्लीन कर दिया है, इस पे मक्खियों ने बिल्कुल वो कर रखा था बेकार, और ये है ना धूल मिट्टी में बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और ये देखिए अभी मैं बैठक में भी आ गई हूँ, बैठक में सबसे बड़ा काम है सिंगवाने का, क्योंकि सबसे पहले सिंगवाना ही काफ़ी टाइम लग जाता है सिंगवाने में, क्योंकि झाड़ू पोछे में इतना टाइम नहीं लग पाता है बिल्कुल भी। और ये कवर जो है पिताजी ने ऐसे ही डाल दिए हैं, अभी मुझे ये कवर भी सीधे करके डालने हैं, व्हाइट कलर की तरफ से डालना है क्योंकि कल गेस्ट भी आएंगे और गेस्ट के सामने कुछ अच्छा ही होना चाहिए। काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ मैं बैठक के पास में, और बैठक का व्लॉग मेरा काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने को मिल रहा है, तो मुझे भी कभी कभी है ना बैठक में साफ करना, पहले तो मैं रोज ही करती थी, जब से मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने लगी है तब से मैंने बैठक का काम छोड़ दिया था। जब कोई गेस्ट आते हैं जब बैठक में साफ सफाई करने के लिए आती हूँ मैं, नहीं तो दीदी झाड़ू पोछा कर देती है, तो वे है ना ज़्यादा सामान को हाथ नहीं लगाती है क्योंकि कभी कुछ ख़राब हो जाए उनको डर लगता रहता है, और मैं देखभाल करके ही करती हूँ ये काम भी, क्योंकि कंप्यूटर का छोटा छोटा सामान है ना, और ये फ्लोर पॉट जो है मैं इसको अच्छे से धो करके भी, छोटे सोफे का कवर जो है और उसके गद्दे मैंने ठीक कर दिए हैं, उसको प्रॉपर जगह पे भी रख दिया है, सबसे बड़ा काम है इसको मतलब किसी भी सामान को उसकी प्रॉपर जगह पे रखना। तो अभी बस मुझे मेज भी साफ करनी है, मेज साफ करने के बाद में उसका कवर भी ठीक करना है, इसका भी कवर उल्टा डाल रखा है पिताजी ने, तो पिताजी से तो ये साफ सफाई का काम नहीं आता लेकिन ये थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कुछ पिताजी कर देते हैं। और कल है ना सोफे का, और सभी सोफे की बड़ी आई गई है बड़े सोफे की, और उसके साथ साथ मुझे इधर मेज पे भी कुछ थोड़ा सा सामान जो रखा हुआ है गद्दे वगैरह सेट करने हैं, क्योंकि गद्दे भी हमारी बहुत खराब हो गई है, और ये देखिए गद्दे में है ना इनकी चैन भी खराब हो गई है क्योंकि मैकेनिक तो हमारे पास एक ही है, और वे शाम के टाइम आएंगे, और वे शाम के टाइम आ करके ये गद्दियों की जो चैन है वे ठीक करेंगे, वॉशिंग मशीन में डाल डाल करके इनकी चैन जो है खराब हो गई है, और कभी कभी जल्दी जल्दी भी खुली चैन ही डाल देनी पड़ती है मुझे, टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, कभी कुछ काम होता है कभी कुछ काम होता है, तो ये मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते रहते हैं, और उसके साथ साथ मैं ना कुछ भी काम करती रहती हूँ जैसे बर्तन साफ करने या खाना बनाना, खाना तो मैं बना बैठ के बनाती हूँ, सिट्टी मम्मी भर देती है बार बार वॉशिंग मशीन में, कपड़े वगैरह जो है भी मेरी हेल्प कर देती है, जैसे सुखा देती हूँ मैं, तो मैं सुखाने के बाद में मैं अभी अभी उठा लूँ मैं। और जी ये देखिए बस इस मेज के पास में काम रह गया है, इस मेज पर सिंगवाना रह गया है, और ये है ना सोफा ये भी ठीक कर दिया है, इसके अंदर है ना कम कपड़े रह गए हैं तो मैं है ना इसमें हल्की चुन्नी डाल दूंगी क्योंकि मेरी चुन्नी है ना खराब हो गई है एक, और ये गद्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसका कवर भी बहुत दूर पड़ा है, और ये देखिए व्हाइट कलर की चुन्नी है, इसमें हल्की सी व्हाइट कलर की हो गई है, पहले हल्की पिंक कलर की थी वो थी, और बिल्कुल फिट हो गई है, अब इस पे सेट भी हो जाएगी है, और अच्छे से रखी भी जाएगी, इधर उधर भी नहीं हिलेगी। तो कन्नू के पापा के सामान की बारी आ गई है, अब मुझे पता नहीं डांट मिलेगी या मुझे है ना शाबाशी मिलेगी ये तो मुझे पता नहीं है, वैसे तो हमेशा गुस्सा ही होते रहते हैं सारे काम को लेकर के, और ये मुझे है ना काफ़ी ख़राब कागज़ मिल गया था तो मैंने एक साइड डाल दिया है वो, और की पैड जो है वो मैं इस की पैड की जगह पे रख दूंगी, और बहुत सारा सामान है यहाँ पे क्या बता आपको।
ये देखिए जी, सारी जगह सिंगवा तो मैंने अच्छे से दिया है, लेकिन है ना अभी डस्टिंग रह गई है। डस्टिंग में सुबह को ही करूँगी। और जो है ना, जो कपड़ा है, पानी का कपड़ा या तेल से, सोफे पे तो मैं तेल से और मेज़ पे तेल से ही मारूँगी कपड़ा। और जो है कहीं कहीं पे पानी का कपड़ा भी लगाना पड़ेगा, हल्का फुल्का सा, जहाँ पे मक्खियों ने छेर रखा है। और अभी बस मुझे बेडशीट बिछानी है यहाँ पे, और बेडशीट डालनी है पिताजी के लिए, क्योंकि है ना फिर कल तो झाड़ू पोछे में और चाय वगैरह में इतना टाइम लग जाएगा ना, फिर बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा यहाँ के लिए, बैठक के लिए। इसीलिए आज ही करके जाऊँगी कुछ काम, और कुछ रह जाएगा तो फिर सुबह को कर लूँगी। पिताजी के बेड की बारी आ गई है। पिताजी का बेड है ना बहुत ही गंदा लग रहा था मुझे काफ़ी टाइम से, जब से मैं आई थी ना। बेड की चादर मैंने धोई नहीं थी क्योंकि मेरा टाइम नहीं लग रहा था, और मैंने थकान हो जाती है काम करने के बाद में। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा ही हो रहा है इस बार, नहीं तो करने के टाइम पे तो मैं सारा काम कर लेती होती, और फिर भी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे बिल्कुल भी। और सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और आज तो मुझे लग रहा है शाम को रात को मुझे नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि जब कभी कभी है ना ज़्यादा थक जाते हैं तो नींद भी आनी मुश्किल हो जाती है। तो सारी रात जगराता ही करना पड़ता है वैसे तो, लेकिन कभी कभी थक जाने के बाद तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। अभी बस पहले तो मैंने तकिए में कवर डाल दिया है, और बेड की चादर डालने लग रही हूँ अभी। और ये है ना चादर जो है नई है, नई इसके साथ की पुरानी चादर हो गई है एक, और वो भी डाल देती हूँ कभी कभी जो रेगुलर में होती है। और बस ये बेड शीट हो गई थी, और फैन हमारे आज रह ही जाएंगे क्योंकि फैन तो मेरे कब रहेंगे नहीं बिल्कुल भी। और जी कन्नू मेरे पास अभी अभी आया है। कन्नू बेटा ये टूट जाएगा, ऐसे मत छेड़ो इसको। हाँ टूट जाएगा बाबू ये ऐसे। कन्नू ऐसे बस छोड़ दो बेटा ऐसे। और बस अभी मुझे जाना है उधर, खाना वाना बनाना है। और ये देखिए फैन रह गए हैं हमारे, क्योंकि फैन तक मेरा हाथ नहीं जाएगा और ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो छत है ना, एक ये जो बेड है ये खिसकाना पड़ता है, फिर इसके ऊपर स्टूल रखना पड़ता है, स्टूल के ऊपर एक कुर्सी रखनी पड़ती है, जब छत तक हाथ जाता है मेरा। तो इस बार मैं पंखे साफ नहीं करूँगी बिल्कुल भी, और मैं चलती हूँ उधर साफ सफाई करने के लिए। अभी कर देते हैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद। राधे राधे। शुभ रात्रि।